अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स फॉर ओ लेवल इस्लामियात पेपर वन. तो लेट अस डिस्कस के हाउ विल द क्रैश कोर्स फॉर ओ लेवल इस्लामियात पेपर वन लुक लाइक. ओके, जब हम बात करते हैं ओ लेवल्स इस्लामियात की, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2058, तो इसके अंदर दो पेपर्स होते हैं, लेकिन वी आर अभी टॉकिंग अबाउट पेपर वन विच इज़ अ 50 मार्क्स. तो इस पेपर वन के अंदर टोटल 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं. पहला सेक्शन कहलाता है, द फर्स्ट सेक्शन इज़ 15 कुरानिक पैसेजेस. When we talk about the 15 Quranic passages, the first 5 passages will talk about Allah in Himself. So since this is a compulsory question, question number 1, to iske andar we will be covering all the passages, and the next 5 passages talk about Allah's relationship with the created world. And then the next 5 passages will talk about Allah's messengers, Allah ke anbiya alaihi salam ki kuch stories ka tazkara hoga. Uske baad jab hum baat karte hain second section ki, to us second section ka naam hai history and importance of the Holy Quran. तो इस history and importance of Quran वाले section में अगर हम पिछले 20-30 papers को देखें, variants के papers और जो हमारे zone के papers होते हैं उनको मिला के देखें, तो there is a particular pattern. और जो questions बहुत frequently पूछे गए हैं तो हम आपको उनकी तैयारी कराएंगे. तो उसके अंदर 4 main topics को handle किया जाएगा. पहला टॉपिक है जिसका नाम है रेवेलेशंस ऑफ कुरान फ्रॉम 610 टू 632 CE. इसके बारे में कुछ पास पेपर क्वेश्चंस देखेंगे. देन वी विल लुक एट द सेकंड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज द कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान. The next thing that we will look at will be major themes of the Quran. Major themes, Allah in Himself, Allah's relationship with the created world, and Allah's messengers. Major themes of Quran. On number 4, we will talk about the sources of Islamic law. Islam mein law making kaise hoti hai? तो अगर आप बोलें इस सेक्शन का भी हम 90% कवर कर रहे हैं अगर, तो फिर इसमें क्रैश की नौयत क्या हुई? क्रैश की नौयत ये हुई दैट वी विल गो थ्रू अ सीरीज ऑफ अबाउट 15 पास्ट पेपर क्वेश्चंस, जिसके ज़रिए में बाय हैविंग अ ग्रिप ऑन दोस 15 पास्ट पेपर क्वेश्चंस आपका ये पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा. Let us move on and talk about the third section out of the 4 sections that we have. So the third section is the life of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So iske andar we will be going through a series of 20 past paper questions to cover the entire biography. तो अगर आपने ये 20 पास पेपर क्वेश्चंस पार्ट एज और पार्ट बीज कर लिए तो आपकी बहुत हद तक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी विद रिगार्ड्स टू द बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके अंदर हम लाइफ इन मक्का, लाइफ इन मदीना, और उसके बाद जिसके अंदर हम एथिक्स, क्वालिटीज और रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स, रिलेशंस को डिस्कस करेंगे.
तो इतने ब्रॉड टॉपिक को वी विल समराइज इट फॉर यू इन 20 पास्ट पेपर क्वेश्चंस. और उसके बाद चौथा टॉपिक है, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि यानी वो बहुत एक एक्सटेंसिव टॉपिक है, और उसका नाम है, दिस इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर वन. तो उसका नाम है द फर्स्ट इस्लामिक और द फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी. तो जब हम इन फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास होते हैं 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस, अशरा मुबशरा, इसके साथ द वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु आर नोन एज द मदर्स ऑफ द फेथफुल. उसके बाद वी ऑल्सो हैव द डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां और दो नवासों इमाम हसन इमाम हुसैन के बारे में तस्करा करते हैं. और उसके बाद डिसेंडेंट्स के बाद वी ऑल्सो हैव सम ऑफ द लीडिंग कंपेनियंस, जो 10 ब्लेस्ड में नहीं आते लेकिन उनका रोल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहा है. तो देर आर अबाउट 8 to 9 ऑफ देम. और उसके बाद वी विल ऑल्सो डिस्कस द टॉपिक ऑफ मुहाजिरीन एंड अंसार. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द 12 शिया इमाम्स. तो अगर हम इन सब का नंबर निकालें, 4 स्क्राइब्स, मुहाजिरीन अंसार, लीडिंग कंपेनियंस 9 हो गए, वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट आर अराउंड 11 to 13, उसके बाद 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस, स्क्राइब्स, मुहाजिरीन अंसार, तो ये तकरीबन 55 के आसपास का नंबर बनता है. लेकिन इन 55 या 50 to 55 कंपेनियंस को हम एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ them being tested in the exam, हम इस 55 का नंबर आपके लिए रिड्यूस करके 25 कर देंगे, क्योंकि सिंस इट इज़ अ क्रैश कोर्स, क्योंकि बाकियों को इतना एक्सटेंसिवली और इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा गया. तो इसके बेसिस पे इस फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी के टॉपिक को भी हम 15 to 19 questions के अंदर summarize कर देंगे. So we will try to summarize this topic for you and we will try to make it a crash for you in about 15 questions. तो अगर आप ये 15 सवाल कर लेते हैं तो ये वाला सेक्शन आपकी ग्रिप में आ गया, ये 20 questions कर लेंगे तो पूरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की entire biography आपके control में आ जाएगी, ये 15 past paper questions कर लेंगे history and importance of Quran के तो ये वाला section आपके control में आ जाएगा, और 15 Quranic passages करेंगे जिसके नतीजे में paper 1 के लिए you will feel confident while attempting your this year's paper. क्योंकि याद रखिएगा कि आपका जो CIE का exam है paper 1 का, वो है 29th April 2019, which means कि it is not far away, it is just a matter of 2 months and a few days. तो उस 2 months or few days के अंदर हमें कैसे अपने आप को लेके चलना है, तो उसके बेसिस पे ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पास्ट पेपर क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो इसके बेसिस पे हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी.